अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमार सलीम और आज हम बात करेंगे कि कैसे तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का मुतासर हुआ है कोरोना की वबा के पेश नज़र। और जो एक ये तीन माह से सिलसिला चला आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बहस होती रही है, अब उसके साथ एक और इशू भी सामने आ रहा है जिसके पेश नज़र एक परसों एक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस की गई स्टूडेंट की तरफ से कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस हैं उसको कम से कम तक किया जाए। लेकिन उस सिलसिले को हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फेल कैसे हुआ है और अब तक जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स एचईसी की एसओपीज की तरफ से जो भी हमने इम्प्लीमेंट की एसओपीज वो क्यों फेल हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो इंटरनेट के इश्यूज़ सबसे ज़्यादा हमें हाईलाइट करने को मिले, हर जो स्टूडेंट था उसको फेस करने पड़े। इंटरनेट के इश्यूज़ कैसे, इसके भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात है फील्ड में। अब हम ये बात करें कि जब भी हम एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लर्निंग कर रहा होता है तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है थ्योरी का प्रोसेस और एक होता है प्रैक्टिकल का प्रोसेस। अब ये दोनों इनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप थ्योरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आपकी लर्निंग नहीं है। आप थ्योरी को कंपनसेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है वो मैनुअल तरीके से ही किया जा सकता है। अब बाकी जो फील्ड्स हैं वो टोटली डिपेंड ही इसी मैनुअल फील्ड के ऊपर कर रही हैं, लाइक मैथ्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और जितनी भी टेक्निकल जो फील्ड्स हैं वो इसी के ऊपर बेस कर रही हैं। अब एक ये परसेप्शन या कम्युनिकेशन का गैप जो है वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये एक इशू है, साथ साथ शेड्यूल कोई प्रॉपर नहीं है। कभी कोई स्टूडेंट जो है उसको कहा जाता है कि आप रात को क्लासेस अटेंड करें, कभी किसी को कहा जाता है कि आप सुबह करें, कभी कोई दिन के वक्त कर रहा है, तो ये भी एक हलचल सी है, कन्फ्यूजन सी है। अब साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ जो तीसरा पहलू है वो है टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स की भी कोई प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग नहीं है इसको अडॉप्ट करने में। टेक्नोलॉजी का हमारा बैकग्राउंड देखें तो हमें ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ इतना आशना नहीं है। स्कूल लाइफ से देखें आप, कॉलेज लाइफ से देखें, फिर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो इतना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना ही टीचर्स को ना ही स्टूडेंट्स को कि वो इस वे के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। तो ये एक तीसरा अहम पहलू है। अच्छा, फिर हम दोबारा इंटरनेट की तरफ आते हैं, इंटरनेट के पैकेजेस की तरफ, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की तरफ। पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे 3G और 4G की टेक्नोलॉजी जो है वो पहुँच चुकी है, वो अवेलेबल है और स्टूडेंट्स जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उनके लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे 70% इलाकों जो तलबा हैं वो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो आला तालीम के लिए शहरों की तरफ रुख करते हैं। जब वो यहाँ से वापस आए, जब कोरोना की वबा आई, तालीमी इदारे बंद हुए, तो वो घरों में आके महसूर हो गए। उनके पास ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना उनके पास कोई इतना अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर है भी सही तो परफॉर्मेंस है। अच्छा, अगर उनको मिल भी जाती है, समझ लें कि आप उनको फैसिलिटी दे दी गई, लेकिन हमारी नेटवर्किंग कंपनीज़ के एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा हैं, पैकेजेस ही इतने ज़्यादा हैं कि वो डेली की बेस पे स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है इंटरनेट को चलाना। और साथ साथ जैसे अब इसको साथ साथ हम दूसरी चीज़ों से रिलेट करें, घर कारोबार एक तरफ बंद हुए पड़े हैं और घर वाले भी घरों में महसूर हैं, स्टूडेंट भी घर आ चुके हैं, वो उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। एक तरफ कमाई नहीं हो रही, एक तरफ स्टूडेंट्स के ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो इस तरह से डील करना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगा HEC को कि अगर आपने इस प्रोसेस को जारी रखना है, मैं ये समझता हूँ कि ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इस प्रोसेस को हम रोक दें, तो चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ दें, SOPs ऐसे तैयार करें। मैं ये भी नहीं कहता कि HEC ने कोई काम नहीं किया, HEC ने बहुत अच्छा काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने डीलिंग की है कम्युनिकेशन के इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए। अब उनको ये चाहिए कि जो हमारी नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं उनके साथ फैसिलिटेट करें, स्टूडेंट के लिए पैकेजेस रखें, क्योंकि ये 3 माह तक भी सिचुएशन जा सकती है और कुछ ज़राए के मुताबिक ये जनवरी तक भी सिचुएशन जा सकती है। तो अब इस तनाजुर में आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बैकफुट पे नहीं रख सकते, आपने उन्हें फ्रंट पे लेके आना है, उनको सपोर्ट करना है इस सिलसिले में। अच्छा, फिर हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं, ये भी बहुत आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस। अब यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो स्टूडेंट, अब इसका मैं ज़रा बैकग्राउंड बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी वो फ़ीस जमा करवाने जाते हैं तो उन्हें एक वाउचर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पर उनको डिटेल दी जाती है कि आपके कौन से चार्जेज़ हैं।
एक ट्यूशन फी होता है और बाकी जितने भी चार्जेस होते हैं वो ऑन कैंपस रहने के चार्जेस होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट की फीस हो गई, लाइब्रेरी फंड हो गया, स्पोर्ट्स फीस हो गई, तो वो होते हैं ऑन कैंपस रहने के। और वो तकरीबन 50% वही ट्यूशन फीस के साथ मिला के टोटल फीस जाके ये बनती है। तो अब जब ये स्टूडेंट्स घरों को वापस आ गए हैं, दूसरी तरफ से यूनिवर्सिटीज ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि आपने पूरी फीस देनी है। अब यहाँ पे इनका गुस्सा जायज़ है, स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज़ है, वो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं कि भाई जब हम घर से बाहर हैं तो हम लोग कैसे ये यूनिवर्सिटी के रहने वाले जो चार्जेस हैं वो भी पे करें। तो ये हमारी तकरीबन 67 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर हैं और 69 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं पाकिस्तान में। अब अगर आप लोग उनको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं दे रहे, उनको आप कनेक्शंस जो हैं वो भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे, टीचिंग भी सही नहीं हो रही, तो फिर आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें पूरी फीस दी जाए वरना आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मतलब कि आप ये एक शो करवाना चाह रहे हैं कि ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, हम टीचिंग नहीं कर रहे, हम सिखा नहीं रहे, हम स्टूडेंट्स नहीं बना रहे, हम अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं। तो ये इस चीज़ को, ये वक्त है, ये थोड़े वक्त के लिए आया, हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त टेंशन में है, उसकी यही वजह है कि उनके ऊपर घरों का जो है प्रेशर है, घरों की तरफ से उनको सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही, वो बेबस हैं, मजबूर हैं, और फिर इस तरह के डिसीजन आ जाते हैं। तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ तीन या छः माह का है, इंशाल्लाह ये वबा जो है ख़त्म होगी, तो तब तक आप इनको सपोर्ट करें, आप फीस लें लेकिन एटलीस्ट ट्यूशन फीस लें। इतने भारी भरकम चार्जेस अगर आप लेने लग जाएंगे और इस सिचुएशन में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना हक अदा करें। आप स्टूडेंट्स को ऑन करें, आप स्टूडेंट को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इस तरीके से सपोर्ट करें। मैं जानता हूँ सबके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये जो एक स्टूडेंट ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास ना देने को है ना कुछ लेने को है, तो आप लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट करना है। ये लोग इस वक्त आपका सरमाया है, अगर आज आप इनको ऑन करेंगे तो कल ये आपका नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया।